आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी और वीकेंड चर्चा में आप सभी का स्वागत है। अब यूपी सरकार एक और सख्त एक्शन लेने की तैयारी में है। हलाल सर्टिफिकेशन से जुड़े प्रोडक्ट की बिक्री पर प्रतिबंध लगना बिल्कुल तय माना गया है। कुछ कंपनियों ने हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर धंधा चला रखा था। डेयरी, कपड़ा, चीनी, नमकीन, मसाले और साबुन को भी हलाल सर्टिफाइड किया जा रहा था और अब इस मामले का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और अब कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 5-स्टार होटल तक हलाल सर्टिफिकेट हासिल करते हैं, जो ये सुनिश्चित करता है कि जो मांस परोसा जा रहा है वो हलाल है। मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, जोमैटो जैसी बड़ी कंपनियां तक इस सर्टिफिकेट के साथ काम करती हैं। लेकिन सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे देश में यह सर्टिफिकेट सरकार देती ही नहीं है। वहीं अब यूपी में भी 5-स्टार होटल तक हलाल सर्टिफिकेट हासिल करते हैं, जो ये सुनिश्चित करता है कि जो मांस परोसा जा रहा है वो बिल्कुल हलाल का है। वही लगातार हम जिक्र कर रहे हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों तक इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करती है, लेकिन इन सबके बीच जो लगातार बड़ी और अहम बात है कि हमारे देश में ये सर्टिफिकेट सरकार देती ही नहीं है। तो अब इस मुद्दे पर तमाम दलों और सियासतदानों को तो अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने का मौका मिल गया है। तो अब सवाल यह है कि हमारे देश में जब ये सर्टिफिकेट सरकार नहीं देती तो आखिर ये धंधा फल फूल कैसे रहा है और हलाल प्रोडक्ट पर बैन लगने से क्या बदलाव करने की तैयारी में है योगी सरकार और ये मुद्दा अब सियासत का बड़ा मुद्दा कैसे बनेगा। आज इन तमाम बड़े सवालों पर बड़ी चर्चा करेंगे, जिसके लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे कराएंगे। लेकिन उससे पहले इस मसले पर क्या कुछ बयान, क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है वो भी थोड़ी देर में आपको सुनाएंगे। तो साथ ही आपको बताते चले कि ये तमाम ऐसे बड़े सवाल है जिस पर हम बड़ी चर्चा करेंगे कि हलाल पर अब योगी सरकार सख्त एक्शन लेने की जो तैयारी कर रही है, आखिर से जो योगी सरकार है वो हासिल क्या करना चाहती है। लेकिन इस पूरे सिनेरियो पर अगर हम गौर करें या इसके दूसरे पहलू पर गौर करें तो सरकार हलाल सर्टिफिकेट नाम का कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड ही नहीं करती है। देखिए, यूपी में हलाल सर्टिफिकेट से जुड़े उत्पादों की बिक्री पर अब बैन लग सकता है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ अब इस पूरे मसले पर सख्त हो चुके हैं और अब अधिकारियों को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। लेकिन अब तमाम लोगों के जहन में एक सवाल है कि आखिर हलाल सर्टिफिकेट है क्या। दरअसल हलाल सर्टिफिकेट के बारे में अगर आपको बताएं तो नॉन वेज प्रोडक्ट के लिए हलाल सर्टिफिकेट होता है। 1993 तक सिर्फ मीट प्रोडक्ट पर ही हलाल सर्टिफिकेट लागू था, लेकिन बाद में ब्यूटी प्रोडक्ट, दवाओं और आम रोजमर्रा की जरूरत सामानों पर भी इसे लागू किया जाने लगा है। और हलाल का मतलब इस्लामी कानून के तहत बने प्रोडक्ट से है। साथ ही अब इस पूरे मसले पर एक बड़ा सवाल ये भी लोगों के जहन में उठ रहा है कि जब ये सर्टिफिकेट सरकार के द्वारा दिया ही नहीं जाता है तो आखिर ये हलाल सर्टिफिकेट प्रोवाइड कौन करा रहा है, दे कौन रहा है। तो इस्लामिक देशों में इस्लामिक संगठन हलाल सर्टिफिकेट देते हैं। भारत में करीब 12 कंपनियां ये सर्टिफिकेट देती हैं और इस्लामिक कानूनों के तहत सर्टिफिकेशन भी होता है। भारत में सर्टिफिकेट देने वाली संस्थाएं हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और जमीयत उलेमाए हिंद और जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट से है। तो अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ 12 कंपनियां ऐसी हैं जो हलाल सर्टिफिकेट देती हैं। अब प्रोडक्ट का हलाल सर्टिफिकेट होने के बाद इस्लामिक देशों में प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट आसान हो जाता है और यही तथ्य हमेशा दिया जाता है जब इस पूरे मसले पर सवाल उठाए जाते हैं कि अगर किसी मुस्लिम कंट्री में भारत के लोगों को कोई प्रोडक्ट भेजना है, निर्यात करना है, तो अगर हलाल का ठप्पा लगा होता है तो आसानी से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो सकते हैं। और कई इस्लामिक देशों में सिर्फ हलाल प्रोडक्ट की ही अनुमति होती है। ग्लोबल फूड मार्केट का लगभग 19% हलाल प्रोडक्ट से है। अब इस चर्चा में जो तमाम बड़े सवाल है जिसके हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे, वो सवाल ये है कि जो हलाल सर्टिफिकेशन पर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त रुख अपना चुके हैं, इस एक्शन से क्या हासिल करने का प्रयास होगा और इतने लंबे समय से अगर हलाल सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं तो आखिर अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। आज इन तमाम बड़े सवालों पर हम बड़ी चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सैयद मोहम्मद तकी स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही कपीर श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं और संतोष सिंह नेता बीजेपी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले बीजेपी से करते हुए देखिए, अब हलाल सर्टिफिकेशन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपना लिया है। वही लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में एक मामला भी दर्ज हुआ है, लेकिन अब ये जो सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त रुख अपना चुके हैं, इससे क्या बदलाव करने के मूड में है सीएम योगी? संतोष जी, देखिए, एक चीज मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ,
प्रसाद जी है वो आल सर्टिफिकेट ऐसे मामले रहे हो जहां अभी तक ये मैं अपनी टीम से बोलूंगी कि संतोष जी ऑडिबल नहीं है, प्लीज उनकी आवाज को ठीक किया जाए। लेकिन अब सीधा रुख करेंगे कपीश हेलो श्रीवास्तव हेलो जी का। देखिए कपीश जी, ये जो लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ हेलो ने हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर एक सख्त रुख अपना लिया है, इस पर समाजवादी पार्टी का टेक क्या है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि जो कंपनी सर्टिफिकेट इशू कर रही है वो कंपनी कंपनी रजिस्टर एक्ट में जो है वो पंजीकृत है। तो जब कबंडी कंपनी रजिस्ट्रार में उसको पंजीकरण मिला हुआ है, उसमें मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स और एसोसिएशन उसमें लिखा हुआ है कि वो कंपनी किस उद्देश्य से जो है वो स्थापित की जा रही है और उसका क्या काम होगा और किस क्षेत्र के अंदर वो काम करेगी, तो ये तो सरकार ने ही उसे मान्यता प्रदान की। अगर उसका उद्देश्य खंड गलत था तो आप मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स और एसोसिएशन को आपने बैन क्यों नहीं किया, आपने कैम को कंपनी को रजिस्टर्ड कैसे किया? और दूसरी चीज ये कंपनी के ऊपर जो शर्मा जी ने एक एफआईआर दर्ज की है वो पूरी तरीके से इनलीगल दिखाई दे रही है, क्योंकि एफआईआर तो बातों पे आपके तथ्यों पे लग जाती है। अब इन्होंने लगाया 153A, 298, 384, 420, 467, 468, 471, 505 और 153A के साथ साथ जो है 120 भी, यानी षड्यंत्र की धारा लगाई। षड्यंत्र की धारा 2 साल से ऊपर के आपराधिक कृत्यों पे अगर कोई चीज दर्ज होती है तो उस पर लगती है। अब 153A क्या कहती है? 153A कहती है कि दो वर्गों के बीच में शत्रुता का परिवर्तन करना या पूजा स्थल पर संपरिवर्तन करना। अब हमें आप बताइए ये धारा कहां से प्रिवेल कर रही है हलाला के मामले में? अगर आपने हलाल ने अगर कोई प्रिवेंशन जारी किया कि ये इतनी शुद्धता के साथ ये दूध और दही के प्रोडक्ट में, मसालों के क्या प्रोडक्ट में हलाल नहीं ना देखेगा, आप उससे मत जोड़िए, उसे उससे मत जोड़िए। ये एक सर्टिफिकेशन है प्योरिटी का और ये सरकार नहीं दे रही है, वो कंपनी दे रही है जिसको कंपनी रजिस्टर एक्ट के अंदर सरकार ने जो है रजिस्टर्ड किया हुआ है और आज से रजिस्टर्ड नहीं है। और इसके साथ जो 153 लगाया, हमें आप बताइए कहां से प्रार्थना स्थल और ये परिवर्तन की बात आ रही है? 298 में 3 वर्ष का की सजा है और इसमें किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, किसकी भावना ठेस पहुंच रही है सर्टिफिकेशन से? लेकिन कपीर जी, वंदे भारत का वो मसला आपको याद है ना, जब चाय के पैकेट पर हलाल सर्टिफिकेशन का जिक्र था तो उस पर तमाम जो ट्रेन के अंदर जो स्टाफ है वो युवक को समझाने का प्रयास कर रहा था, तो कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं तो भड़क रही है ना, अगर हम उस मसले पर गौर करें। ये नहीं, ना ना, नहीं बिल्कुल नहीं है इसमें कोई, कैसे ये कैसे संपरिवर्तन हो रहा मुझे बताइए, पूजा स्थल में कौन सा संपरिवर्तन हो गया? किसकी किसी की धार्मिक भावना में? आप हलाल प्रोडक्ट नहीं खाना चाहते मत खाइए, ये तो आपके प्रिवेंशन में, कपी श्रीवास्तव नहीं खाएंगे फला कंपनी का। लेकिन अगर वो फला कंपनी कोई विनिर्माण पे गलत सर्टिफिकेट दे रही है और वो प्योरिटी नहीं है तो आप उसके अंदर जो है वो कार्रवाई कर सकते हैं, आईपीसी सेक्शंस के अंदर भी कर सकते हैं, मजिस्ट्रेडियल जो फूड बिल के साथ जो है पीएफए लगता है एक्ट, उसको आप लगा के कर सकते हैं। ठीक है, तो पीएफए तो लगा नहीं। ठीक है कपीर जी, आपके तमाम आरोपों का जवाब संतोष जी से लेंगे, लेकिन एक ओपनिंग रिमार्क पहले तकी साहब से लेते हैं। ठीक है, नहीं 419, 20, 67, 68, 471 जो है वो छल कपट धोखाधड़ी की बात इस पर आई, कोई कंपनी रजिस्टर्ड हो रही है किसी एक्ट में अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स को लेकर के, तो आप बिल्कुल ठीक है। देखिए कपीश जी, आपके आरोपों का जवाब लिया जाएगा, लेकिन एक ओपनिंग रिमार्क पहले तकी साहब से लेना बहुत जरूरी है। देखिए तकी साहब, वो सीधे तौर पर समाजवादी के प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि जब ये सारी कंपनी रजिस्टर्ड है तो इनके द्वारा जारी किए गए जो सर्टिफिकेट है वो अवैध कैसे हो गए, लेकिन अब जो सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त रुख अपना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हलाला सर्टिफिकेशन के नाम पर जो कंपनी धोखाधड़ी करती है उन पर बैन लगेगा, इस पर आपका टेक क्या होगा? देखिए पहले तो शब्द जो है वो हलाल है और हलाल एक सेल्फ डिक्लेरेशन है, कोई भी व्यक्ति किसी को खाना दे रहा है, कहीं अगर कोई नॉनवेज आइटम बिक रहा है और वो क्या बताना चाहता है अपने लोगों को जो कंज्यूमर है कस्टमर्स को कि ये हमारे यहाँ जो गोश्त है वो हलाल है
और हलाल प्रोसेस से बना हुआ है, तो उसका सेल्फ डिक्लेरेशन है, वो सेल्फ डिक्लेरेशन दे रहा है, वो कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, आप खुद बताना पड़ेगा। और अगर लोग हलाल, जहाँ जिस देश की आबादी बहुत ज़्यादा, हमारे देश की आबादी 142 करोड़ है, जिसके अंदर तकरीबन 20% के आसपास मुसलमान हैं, वो जहाँ इतनी बड़ी आबादी है, इंडोनेशिया के पास सबसे ज़्यादा मुसलमान भारत के अंदर हैं, और मैं तो मानता हूँ कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मुसलमान भारत के अंदर है, क्योंकि जब हमारे देश की आबादी बड़ी है और भारत नंबर वन आबादी में हो गया, तो मुसलमान भी नंबर वन आबादी में हो गए होंगे, तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं भारत के अंदर। और वहाँ पे अगर कोई चीज़ बिक रही है, हलाल है और मुसलमानों का इंटरेस्ट है, तो उसके अंदर कोई बुराई नहीं है। अगर कोई कंपनी हलाल आइटम बेचना चाहती है, तो ये उसका खुद का सेल्फ डिक्लेरेशन है, ये उसका खुद का डिसीजन है, तो उसके अंदर क्या आपत्ति हो सकती है? और जो लोग, जो कंज्यूमर है, वो ये किसी चीज़ को लेने से पहले ये सोचना चाहते हैं, ये समझना चाहते हैं कि इसके अंदर चीज़ हलाल है या नहीं है, तो ये उनकी अपनी च्वाइस है। तो इसमें जब मियाँ बीबी राजी, तो क्या करेगा काजी? जब बेचने वाला राजी है और खरीदने वाला राजी है और दोनों में कोई परेशानी नहीं, तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? और योगी जी ऐसे मुद्दों पे ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और हलाल क्योंकि मुद्दा वो मुसलमानों से रिलेटेड है, उनका एक प्रोसेस है नॉनवेज खाने का कि वो हलाल गोश्त खाते हैं, तो उस पर ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। अगर वो इतना एक्टिव, छठ पूजा होने वाली है कल, आप देखिए गोमती नदी का क्या हाल है, गोमती नदी में कितनी गंदगी, अगर एक्टिव होते तो छठ पूजा से पहले गोमती नदी साफ होती। कल के अखबार में निकला है गोमती नदी के आसपास कितनी जलखंभी है, कितना पोल्यूशन है। आप देखिए ट्रेनों में जो है टिकट नहीं मिल रहा छठ पूजा के लिए जाने के लिए, दरभंगा से लेके मुंबई तक का टिकट जो है दुबई और इंटरनेशनल फ्लाइट के टिकट से कहीं ज्यादा है। तो इसके ऊपर काम नहीं हो रहा, इस पर कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन बेकार के मुद्दे जिससे वो लाइमलाइट में आ सके, या कुछ ऐसे लोगों को जो उनके इसीलिए फॉलो करते हैं कि अल्पसंख्यकों को हर वक्त वो कोसा करते हैं, उनके खिलाफ गलत बात करते हैं, तो उनको उनको वो चुनाव आने से पहले इस तरह का एक टॉनिक देना चाहते हैं। और मुझे समझ नहीं आता है, बीजेपी एक तरह तो पसमंदा समाज के लिए काम करती है, पसमंदा समाज के सारे कार्यक्रम करती है, उसके बाद वही बीजेपी जो है वो मदरसों पर ताला लगा देती है जहाँ पसमंदा समाज के लोग जो है जाते हैं, वही बीजेपी जो है जो लोग गोश्त बेचते हैं उनको सही से लाइसेंस नहीं दे पाती, क्योंकि गोश्त बेचने वाले और गोश्त का काम करने वाले ज़्यादातर लोग पसमंदा समाज के हैं। वही बीजेपी मदरसों पे ताला लगा देती है, मदरसों में पढ़ने वाले ज़्यादातर मुसलमान पसमंदा समाज के हैं। तो ये किस तरह का पसमंदा समाज को बीजेपी अपनी तरफ जोड़ना चाहती है, जब लगातार वो इस तरह के काम कर रही हो, और योगी जी ऐसी बात कर रहे हैं जो लगातार मुसलमानों को और पसमंदा समाज से जुड़े मुसलमानों के जो उनके उनकी जो बिलीफ सिस्टम है उसको आहत कर रहे हैं, उसको घात पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। संतोष जी से क्या मेरा संपर्क स्थापित हो चुका है? मैं अपनी टीम से जानना चाहूंगी। बिल्कुल, देखिए संतोष जी, तकी साहब ने इस मुद्दे को एक बार फिर से हिंदू मुसलमान से जोड़ दिया है। वो ये कह रहे हैं कि ये जो हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त रुख अपना रहे हैं, ये सिर्फ मुसलमानों का जिक्र हुआ है इसीलिए वो कर रहे हैं, लाइमलाइट में आने के लिए कदम उठाया जा रहा है। अब हम उनकी उनकी बात का सिर्फ एक जवाब दूंगा। पहले तो वो एक 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 मुसलमान होने के सिर्फ और सिर्फ निगेटिव चीजों के ऊपर चर्चा करते हैं, निगेटिव बातें बोलते हैं, सरकार के दूसरे पहलू को भी उनको देखना है। रही बात, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि सरकार को सिर्फ ये दिखता है, सरकार को योगी का मुद्दा इसलिए दिखता है, सरकार के लिए ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें इसीलिए दिखती हैं कि आज के परिवेश में उत्तर प्रदेश या पूरे हिंदुस्तान में जो एक्टिविटी है आपके माइनॉरिटी के नेताओं की, मैं नेताओं की कहूंगा, लोगों की नहीं कहूंगा, नेताओं की जो एक्टिविटी है और जो नेताओं का वक्तव्य आता है, जो बयान आता है, तो कहीं ना कहीं मजबूर हो जाता है इंसान उस बात पे टीका टिप्पणी करने के लिए। देखिए योगी जी ने और हमारी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी का नारा रहा है सबका साथ और सबका विकास, चाहे वो योगी जी की उत्तर प्रदेश में सरकार रही हो, मोदी जी की सरकार रही हो, भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ और सबका विकास के नारे पे काम कर, आप हर चीज को जाति मत मजहब से जोड़ कर करके भारतीय जनता पार्टी के सरकार को बदनाम करने की करते हैं, ये समझ में नहीं आता। और वो बदनाम करने की कोशिश तो आप करते हैं, लेकिन वो बदनाम करते करते कहीं ना कहीं आज आप ऐसे जगह पे खड़े हैं कि मुझे लगता है कि वापस आने में ये शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति, योगी जी के प्रति और मोदी लोगों में इतना विश्वास है, अगर योगी जी और मोदी जी ने जो फैसला लिया है, अगर कहीं ना कहीं लोगों के मन में यह विश्वास है, और आज तक 2014 हो गया, 2017 हो गया, 2022 हो गया, 2019 हो गया, अगर लगातार उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सरकार रिपीट हुई, केंद्र में दूसरी बार सरकार, कहीं ना कहीं योगी और मोदी के प्रति लोगों को यह विश्वास है कि यह लोग जो फैसला लेते हैं, जो बात करते हैं, कहीं ना कहीं जनहित में है, लोगों के हित में।
अब रही बात, एक चीज हमको बताइए, ये सारा कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट होता है माइनॉरिटी के खिलाफ, सारा कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट होता है मुसलमान नेताओं के खिलाफ, सारी चीजें क्यों आती है? यह लोग देखिए, इनके पास दो चार ऐसे नेता है समाजवादी के पास, समाजवादी नेताओं के पास, एक तो पहले इनके दिमाग में ये भरम भट गया। देखिए मैं बहुत पहले से कहता होता, वो आपके चैनल पे कहता हूं, सबसे पहले तो इनके दिमाग में यह बैठ गया है कि मुसलमान और यादव हमको वोट देता है और उसके भरोसे हमारी सरकार बनती है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम कुछ ऐसा हिंदुत्व और हिंदुत्व और हिंदुस्तान के बारे में ऐसा कुछ बयान न दे दें जिससे मुसलमान वोटर हमसे खिसक जाए, हमारी पीठ चली जाए और हमारा वोटर चला जाए। हिंदुस्तान के लोग समझदार हो गए, हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति ये जानता है कि हमारा हक हकूक की लड़ाई लड़ने वाला कौन नेता है, कौन कार्यकर्ता है। लंबे समय से हलाल सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, ये एकाएक आखिर परिवर्तन की लहर जो आपकी पार्टी की तरफ से लाई जा रही है, क्या हासिल करने की कोशिश है? लंबे समय से हलाल का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, बिल्कुल कुछ निजी स्वार्थ के वजह से सरकारों को निजी स्वार्थ के चलते, अपने वोट बैंक के चलते ये सारी गतिविधियों को चलाया जा रहा था, जिसको माननीय योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लिया है। अरे और संज्ञान पता ही नहीं है कि ये क्या चीज पे बैठे हुए हैं भाई, आप जस्टिफाई नहीं करोगे, आप अपने हिसाब से, तो पता ही नहीं है कि किस टॉपिक पे बैठे हैं और वो मतलब क्या होता है, भारत के और उत्तर प्रदेश की जनता को यह तय नहीं कराएंगे कि कैसे 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 कहां से और किस प्रकार से हलाला का। मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है कि आप एक तरह से लगातार कोई ऐसे व्यक्ति बैठे हुए हैं जिनको एबीसीडी विधि का ज्ञान नहीं है, तमाम ऐसी गतिविधियां आई है, चाहे वो हलाला का मैटर रहा हो, चाहे मंदिर मस्जिद का मैटर रहा हो, चाहे मुस्कान इनसे पूछिए कि ये जिन धाराओं में आपने दर्ज किया है केस, ये क्या है? पे हमने समाजवादी पार्टी का बयान सुना है, मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है। अरे ये हिंदू मुसलमान, सीधा सा सवाल था, सीधा सा जवाब मैं आपसे मांग रही थी कि आखिर ये जो हलाल सर्टिफिकेट जिस पर अब सीएम योगी आदित्यनाथ इन कंपनियों पर एक्शन लेने की तैयारी में, इससे क्या हासिल करना चाहती है? लेकिन वाकई शायद आप आज होमवर्क करके नहीं आए, इसलिए आपके पास सवालों के जवाब में आप मुद्दे को लगातार डिरेल कर रहे हैं। लेकिन कपिल श्रीवास्तव जी, आपने कहा कि जो सरकार है उनकी ही ऑथराइज्ड कंपनियां हैं जो कहीं ना कहीं इस सर्टिफिकेट को प्रोवाइड करा रही हैं। आप सभी के पास पेन और पेपर होगा क्या? क्योंकि मैं कुछ आंकड़े दूंगी, मैं चाहूंगी कि आप उसको लिखें और फिर मेरे सवालों का जवाब दें। ना, बोले बोले। बिल्कुल, देखिए जो हमारी स्टडी है, जो हमारी रिसर्च हमारी टीम ने की है, उस स्टडी के मुताबिक हलाल की जो मार्केट वैल्यू है, यानी कि जो हलाल प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू है, वो $3 trillion से भी ज्यादा है, और हर साल जो इसका बाजार है वो 15-20% की तेजी से इजाफा कर रहा है, और दुनिया में करीब 32% मुसलमान है। ये आंकड़े हमारी टीम ने स्टडी करे और ये आंकड़े मैं वही बता रही हूं। अब कोई भी इंडस्ट्री नहीं चाहेगी कि वो प्रोडक्ट को दो तरीके से बनाए, एक पहले हलाला सर्टिफाइड और एक नॉन हलाला सर्टिफाइड। ऐसे में अगर कपीश जी हलाला सर्टिफाइड का ये मुद्दा हट जाता है तो इसमें बुराई क्या है? बहुत बुराई है। जैसे मैं मुझे आपको कमियां बताइए। इसलिए उसका कारण है, ये प्योरिटी का सर्टिफिकेट है, उनका अपना ये उद्घोषणा सर्टिफिकेट नहीं है, ये उस लेकिन कपीर जी, कल को कोई राजस्थानी कंपनी आती है वो अपनी शुद्धता का सर्टिफिकेट देगी, कल को कोई गुजराती कंपनी आएगी वो अपनी शुद्धता का सर्टिफिकेट देगी। तो आप एक काम कीजिए ना, कि आप सरकार से ये कहिए कि वो कंपनी एक्ट में परिवर्तन करें और उनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स को देखें और वो कहें कि नहीं, ये काम सिर्फ सरकार कर सकती है और दूसरा नहीं कर सकता है। भाई देखिए, दो तरह के काम है, एक संप्रभुता का कार्य होता है वो सिर्फ और सिर्फ सरकार करती है, दूसरा नहीं कर सकता। लेकिन जहां तक कंपनी जो है वो इंटरमीन है इसके अंदर, और कंपनी एक एक इस बात की अपनी घोषणा करती है कि भैया ये प्रोडक्ट में ये जो है कि इसके अंदर इतनी प्रतिशत शुद्धता है या ये इस तरीके से है, तो इसमें हर्जा क्या है, इसमें बुराई क्या है, इसमें 419-20-67-68-71 प्रिवेल कैसे हो रहा है, इसमें 153 प्रिवेल कैसे हो रहा है, इसमें 298 प्रिवेल कैसे हो रहा है, मैं यही तो जानना चाह रहा हूं कि आखिर कैसे प्रिवेल हो रहा है। और कंपनी जो है वो पूरे देश के लिए रजिस्टर्ड होती है, किसी एक प्रदेश के लिए नहीं होती है, तो वहां केंद्र सरकार इस पर क्या एक्शन टेक कर रही है?
और मैं एक बात बार बार कह रहा हूं, अशुद्धता का मामला अगर होता कि इन्होंने मुहर लगाई भैया कि ये इस तरह इस मेथड से है और इसकी शुद्धता ये है ये वो है और वो गलत है, अगर वो गलत साबित होती है कि नहीं ये कहीं से अनड्यू इन्फ्लुएंस्ड हैं और पैसा लेकर के अन्य कंपनियों को इस तरह से इसे मुहर लगा के सर्टिफिकेशन दे रहे हैं कि ये प्योर नहीं है और प्योरिटी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तब तो यहाँ पे समझ में आता कि 419 भी प्रिवेल करता है, ठीक है, यहाँ तो ये चीजें है ही नहीं सामने। तो हम तो सीधी बात कह रहे हैं। और दूसरी बात, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र से कहिए कि आप किसी कंपनी पर अगर कोई एलिगेशन लगाते हैं वो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स को पहले पढ़ लें, फिर ये भी देख लें कि कितने साल से रजिस्टर्ड है, और आज आप उसके ऊपर जो प्रमाण लगा करके आप बैन करने की कोशिश करने जा रहे हैं जबकि आप कर ही नहीं सकते, ये सरकार नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती है, आप देख लीजिएगा। और जो FIR इन्होंने दर्ज किया है उस FIR में अगर FR ना लग जाए तो जो कहिएगा वो हार जाएंगे, हम अपनी प्रैक्टिस छोड़ देंगे। बिल्कुल कपिल जी, इस अपने बयान का ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बयान मैं अपने पास खुद रखूंगी। बिल्कुल, आप बड़ी बात बोलिए तकी साहब। देखिए, इस मुद्दे को हिंदू मुसलमान का रंग देने का भरपूर प्रयास किया गया, मेरे डिबेट में मेरे सामने इस चर्चा के दौरान हिंदू मुसलमान इस मुद्दे को भी करने का प्रयास किया गया, लेकिन अगर हलाल सर्टिफिकेशन नहीं होगा तो क्या हर्ज है इसमें, गुरेज किस चीज को लेके है, नुकसान क्या होगा? देखिए, आज की डेट में भारत जो है बीफ का नंबर वन एक्सपोर्टर है और वर्ल्ड के कुछ 4-3 या 4 एक्सपोर्टर से हमेशा रहा है और बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का पैसा भारत पे आता है क्योंकि बीफ बाहर जाता है और जहाँ जहाँ बीफ जाता है ज़्यादातर वो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ और अरब कंट्रीज़ भारत से पास में है और सबसे ज़्यादा आउटसोर्सिंग जो नॉनवेज गोश्त की होती है बीफ की वो भारत से होती, भारत जाता है। जो गोश्त खरीद रहे कंपनीज़ वो कह रही हैं कि उन्हें जो है वो हलाल गोश्त चाहिए, वो हलाल गोश्त के अलावा कोई गोश्त नहीं खरीदेंगी, तो अगर इसमें भारत सर्टिफिकेट नहीं देगा, हलाल गोश्त नहीं कराएगा तो भारत को वित्तीय नुकसान होगा। जो हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़ रहा है, जो फॉरेन से पैसा आ रहा है, जो डॉलर्स आ रहे हैं जिसके अगेंस्ट हम जाके पेट्रोल लेते हैं, जिनसे और चीज़ें खरीदते हैं, वो हमारे पास खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे हमारी जो करेंसी उस पर दूसरा प्रभाव पड़ेगा। तो अगर कोई खरीदार जो है वो चाहता है कि उसको हलाल गोश्त चाहिए, हलाल एक तरीका है लाइव स्टॉक से गोश्त लेने का, जानवरों से गोश्त लेने का, और वो जो खरीदार वो चाहता है हम हलाल चाहते हैं, तो उसमें जब खरीदार हलाल चाहता है तो कंपनी को भी हलाल देना पड़ेगा, वो उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं दे पाएंगे, अगर ये नहीं होता इससे भारत को बहुत रेवेन्यू नुकसान होगा। दूसरी बात, भारत के अंदर भी बड़ी आबादी है मुसलमानों की जो गोश्त हलाल तरीके से ही खाते हैं, वो हलाल गोश्त उनका जायज़ है और जो झटके गोश्त होता है या जो हलाल नहीं होता वो उनके बैन नहीं खाया जाता। तो आप अपनी इतनी बड़ी आबादी को जिसके जहाँ मुसलमान बहुत ज़्यादा हैं, हमने कहा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मुसलमान कहीं अगर अभी प्रॉपरली सर्वे कराया जाए तो भारत में ही निकलेंगे, तो वहाँ उन लोगों का भी आप अपने देश के लोगों का भी आपको सम्मान करना है, उनकी जो आस्था है उसका भी सम्मान करना है, उसको आपको आहत नहीं पहुँचाना है, तो ये दोनों की तरह जरूरी है। उसी बात ये कि जो गोश्त बिक रहा है वो गोश्त बेचने वाला जो है वो सिर्फ मुसलमान नहीं, जो जानवर बेच रहा है हो सकता है जो गोश्त निकालने वाला हो, गोश्त को प्रोसेस करने वाला हो, वो थोड़ी बहुत जगह मुसलमान हो, लेकिन ज़्यादातर गोश्त बेचने वाला जो गोश्त बेच रहा है, आप इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज को उठा के देख लीजिए जो गोश्त एक्सपोर्टर कर रहे हैं वो मुसलमान नहीं है, लेकिन उनको भी हलाल देना पड़ रहा है क्योंकि उनको वहाँ गोश्त बेचना है और वहाँ से रेवेन्यू पैसा कलेक्ट करना है। और मार्केट में जो खरीदार बहुत सारे हैं जिसको हलाल नहीं खरीदना, खरीदारी हलाल के हर्ज है, लेकिन जो बेचने वाला है वो कहना बताना चाहता था कस्टमर को कि हमारा जो प्रोडक्ट है चाहे वो डायरेक्ट मीट प्रोडक्ट हो या मीट से ड्राई प्रोडक्ट हो वो हलाल है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, गवर्नमेंट को उसको फैसिलिटेट करना चाहिए क्योंकि कस्टमर की नीड भी है और बेचने वाला भी चाहता है और मार्केट भी ऐसी है, और मार्केट तो अक्रॉस द वर्ल्ड जो आपने मार्केट करी है बीफ की बात करी है वो $1 trillion की मार्केट तो ऑल अक्रॉस वर्ल्ड है, सिर्फ इंडियन मार्केट थोड़ी ना है। बिल्कुल, और भारत के अलावा देश में 200 देश हैं जिनकी अलग अलग डिमांड्स हैं, तो उसके हिसाब से ही मार्केट में आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है कपिल श्रीवास्तव, जो अभी आपने जिक्र किया कि ये जो 12 कंपनीज है ये सारी रजिस्टर्ड एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, लेकिन एक सवाल बहुत अहम है कि ये जो हलाल सर्टिफिकेट का जो ये पूरा मैटर है, ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त है, अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये पैसा जाता कहाँ है? देखिए बहुत सीधी बात है, ये पैसा वो जो कंपनी सर्टिफिकेट जारी कर रही है या इस बात का भार ले रही है कि इसकी ये प्योरिटी है उसकी उद्घोषणा कर रही है, वो अपने उद्घोषणा के का जो गुडविल है उसका वो पैसा ले रही है,
और उस पर वो रेवेन्यू हमारे सरकार को दे रही है। लाभ पर डॉक्यूमेंट है क्या बीच आपके पास की ये जो सारे पैसे ये सरकार के पास जा रहे हैं किस बिना पे आप एकदम पुख्ता तौर पर ये जानकारी दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सारे पैसे कैसे चले जाएंगे? सारे पैसे नहीं, जैसे मान लीजिए आप कमा रही हैं, आप एंकरिंग करती हैं, आप वेतन पाती हैं और आप इनकम टैक्स भरती हैं, तो जो इनकम टैक्स का पैसा वो सरकार के पास जा रहा है। ठीक उसी तरीके से जो कंपनी अपना प्रॉफिट लेती है उसमें से प्रॉफिट का जो उसका अंश है वो तमाम कर संचयन में देती है क्योंकि उसकी ऑडिट होती है। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर वो कंपनी कमा रही है, कमाएगी तभी तो आपको देगी। और दूसरी बात, मैंने आपको कहा कि अगर स्टेट संप्रभु है और वो कहता नहीं ये सिर्फ मैं ही सर्टिफिकेशन कर सकता हूं और कोई दूसरी कंपनी नहीं कर सकती है, तो आप कंपनी एक्ट में उसको क्यों प्रिवेल कराते हो? फिर आप सर्टिफिकेट कैसे दे दिए कंपनी में? उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स को आपने सराहा कैसे? कैसे आपने प्रमाण पत्र दे दिया कि तुम दोगे? ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है संतोष जी, सीधे सीधे तौर पर अब सवाल आपसे रहेगा जो लगातार कपीर श्रीवास्तव जी पूछते आ रहे हैं और आप पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि जब ये सारी कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, यानी कि सरकार ने ही इनको रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कराया है, तो अब आखिर इतना जो मुद्दा है इसको उठाने की जरूरत क्यों आ रही है आप लोगों को कि हलाल सर्टिफिकेट है उसको लेकर के आप फिर राजनीति क्यों कर रहे हैं? जब कंपनियां रजिस्टर्ड है तो फिर क्या मसला है? संतोष जी, संतोष जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप सुन रहे हैं, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए संतोष जी, कपीर जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये जो 12 कंपनीज है जिन पर सख्त एक्शन लेने की तैयारी में है योगी सरकार, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो फिर आखिर मसला क्या है? सिर्फ हलाल सर्टिफिकेशन ही मसला है जिस पर सीएम सख्त एक्शन लेंगे? और ये किस तरीके से गैर कानूनी है ये पूछिए क्या आपके प्रवक्ता जी? एक चीज ना, और एक चीज ये किस तरीके से गैर कानूनी है? अगर सरकार योगी सरकार अगर ये फैसला ले रही है कि हम लीगल अरे भाई पिछले 6 साल क्यों नहीं ली, क्यों अभी ले रहे हैं? एक सेकंड, उनका जो जवाब है वो तो सुन लीजिए ना प्लीज, बताइए। मैं इनसे काइंडली ये पूछ लीजिए कि सर्टिफिकेशन देना कैसे अवैध है, ये बताएं तो अवैध कैसे है? बिल्कुल ठीक है कपीर जी, वो जवाब दे रहे हैं, बोलिए। मुझे बताएंगे कि आप यही बताएंगे कि आपके जमाने में आपकी सरकार ने, इसके पूर्व की सरकार ने सर्टिफिकेट जारी किया था, उन्होंने कानून बनाया था, उन्होंने लीगल ठहराया था, इसलिए बात इंसान हो आप। अगर कोई चीज गैर विधिक है तो बताओगे ना कि किस तरीके से गैर विधिक है? अरे हम कपीश जी सुनने की क्षमता रखिए, गैर राजनीतिक बनिए, पूरी बात तो सुन नहीं रहे। राजनीति का मुद्दा नहीं है, प्रथम सूचना रिपोर्ट इन इन धाराओं में अंकित की गई है, उन धाराओं का विश्लेषण मैंने कर दिया। ठीक है कपीर जी, इनको एटलीस्ट बोलने तो दीजिए ना, वो अपना जो पक्ष रख रहे, आप सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब भी सुनिए ना सर उनसे। ठीक है कपीर जी, आओगे आपके पास? संतोष जी बोलने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक है कपीर जी, आओगे आपके पास? ठीक है कपीर जी प्लीज, एक एक करके बोलते हैं ना, आपने तमाम आरोप लगाए, सवाल पूछा, वो जवाब दे रहे, जवाब भी सुनिए, बोलिए संतोष जी। मुझे एक चीज समझ में नहीं आया, कपीर जी जितनी बातें कर रहे हैं समाजवादी के प्रवक्ता है, वो ज्यादा ज्ञान हो सकता है हमसे, हो ज्यादा कानून का ज्ञान हमसे हो सकता हो, लेकिन सरकार अपनी सरकार चलाती है और सरकार का अपना नियम और कानून होता है। ये सरकार संविधान से चलने वाली सरकार होने के नाते आपसे कह रहा हूं, सरियत से चलने वाली सरकार नहीं है। फिर भी आप जो फैसला ले लोगे, आज मतलब 10 साल बाद जो हम जाते आए हो, कराते आए हो, वही अभी सरकार करेगी? कैसे ये नहीं है? अगर हमारे देश के, हमारे उत्तर प्रदेश के 3 करोड़ आबादी के लोगों ने उत्तर प्रदेश में योगी के नेतृत्व में सरकार बनाया है, दोबारा बनाया है, तो कहीं ना कहीं उनके क्षमता पे, उनके डिसीजन पे कहीं ना कहीं उन लोगों ने विश्वास जताया, तब वापस सरकार में हमको लाया। कभी भी एक बात आपको मैं दोहराऊंगा कि आप सर्टिफिकेट की बात नॉलेज नहीं है इस विषय पे, क्यों बैठा लिया? बोल लगातार बोलते जा रहे हैं, हमें बोलने क्या बताइए? व्यक्ति को बैठाया होता जो विधि की जानकारी रख रहे होते। ठीक है बताइए संतोष कपीर जी, एक सेकंड ना कपीर जी, शाउटिंग मैच नहीं करना है हमको, आपने आरोप लगाया, उनको जवाब देने का मौका तो दीजिए ना, पूछ लीजिए ना कि क्या चीज गैर विधिक है जिसको आप प्रतिबंधित करने जा रहे हैं। ठीक है तो अब आप सुनेंगे प्लीज कपीर जी, बोलिए संतोष जी। कपीश जी बिचारे उस टीम के खिलाड़ी हैं, इस टीम का कप्तान ही
अपने पिताजी को बाहर कर दिया, अपने चाचा जान को बाहर कर दिया। अरे संतोष जी मुद्दे को डिरेल मत करें ना, सीधा सा जवाब के पास क्या जवाब दीजिए आप मुझे प्लीज। जवाब नहीं, इनको जानकारी नहीं है कि ये हलाल सर्टिफिकेशन होता क्या है। एक चीज कहना, ये कंपनी होती क्या है जिनको ये देता है? ये कंपनी तीसरी कौन है जो दे रहा है? हम सरकार चला रहे हैं, कैपेटाइट एग्रीमेंट होता है इसमें, इनको मालूम ही नहीं है सरकार कि कैपेटाइट एग्रीमेंट कैसे बनता है। चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सबने विश्वास जताया है और विश्वास जताया, इसलिए हम सरकार चला रहे हैं। हमारे एक एक फैसले को गजब की इंसान है भैया, कानून की कोई राय समझ भी नहीं रहे ना जान रहे, स्वीकार किया है। और योगी आदित्यनाथ को अच्छे से मालूम है, हमको कहां ऑब्जेक्शन करना चाहिए, कहां कुछ नहीं मालूम, हमको बैन करना चाहिए। हमारी सरकार अच्छे से जानती है। मैं कपीर भाई से इतना कहना चाहूंगा, आपके नेतृत्व में जो सरकार है, किसी व्यक्ति विशेष और किसी जात विशेष का समर्थन नहीं। अच्छा आप ही बता दो ना कि टेपेटाइट एग्रीमेंट क्या होता है। अब वो लगातार जो 12 कंपनियां हैं तो बोलेंगे क्या मुझे? तमाम अन्य कंपनियों से टेपेटाइट एग्रीमेंट की हुई है जिसके तहत। कपीर जी, संतोष जी, प्लीज मेरी आपसे दोबारा रिक्वेस्ट और आखिरी बार मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक एक करके बोलते हैं। अब एक आखिरी कमेंट मैं लेना चाहूंगी तकी साहब से, तकी साहब बहुत लंबे समय से आप इंतजार कर रहे हैं, बोलिए। देखिए ऐसा होता है कई बार जब आप प्रोडक्ट ऐसा फूड इंडस्ट्री में आते हैं तो उसमें हलाल के अलावा कई बार वेज नॉन वेज भी होता है। तो आप देखिए ग्रीन मार्क लगा होता है, रेड मार्क लगा होता है, तो उससे कस्टमर को पता चलता है कि वो वेज है या नॉन वेज है। जो लोग नॉन वेज खाना चाहते हैं वो रेड वाला खा लेते हैं। इवन आजकल केक पेस्ट्री वगैरह में एग लेस और एग केक आ रहा है, तो वो उससे लोगों को जानना चाहते हैं। तो ऐसे कंज्यूमर को ये जानने का पूरा हक है कि वो जो चीज कंज्यूम कर रहा है उसकी मान्यताओं, उसकी आस्था के हिसाब से या उसके जो बिहेवियर पैटर्न है, उसकी ईटिंग बिहेवियर पैटर्न से मैच करता है या नहीं करता है। तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं। दूसरी बात, अगर सरकार को अपनी कंपनी, क्योंकि सरकार जो कटघरे में अपने लोगों को खड़ा कर रही ना, अपनी कंपनी खड़ा कर रही है, तो वो जो कंपनी जो सर्टिफिकेट दे रही है हलाल का, वो कहाँ से लेके आ रही है? तो सरकार को अगर पता नहीं तो सरकार से, सरकार अपने आप को कटघरे में खड़ी कर रही है, सरकार अपनी कैपेबिलिटीज में क्वेश्चन मार्क लगा रही है, सरकार खुद प्रोसेस को नहीं जानती है। जो बीजेपी के प्रवक्ता नहीं बता पा रहे इस बात को सही से, जो कबीर जी ये सवाल पूछ रहे हैं इनसे, तो ये कई बार योगी जी जो है वो कई बार ऐसे बयान दे देते हैं इसमें, ये खुद अपनी सरकार को अनजाने में कटघरे में खड़ा कर देते हैं और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, जबकि ये सरकार को काफी दिनों से चलता चला आ रहा है। उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये हम एक इंडस्ट्री में हैं जहाँ कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स के अपने मानक हैं, वो इस हिसाब से चीज़ों को लेना चाहते हैं, और ये कंपनी का और कस्टमर के बीच में इनका एग्रीमेंट है कि भाई वो जो वही चीज़ देंगे जो कस्टमर को चाहिए होगी, तो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। आप किसी नॉनवेज खाने वाले को आप वेज जबरदस्ती नहीं खिला सकते, या किसी वेज खाने वाले को जबरदस्ती नॉनवेज नहीं खिला सकते। उसकी अपनी सोच है, उसका अपने मान्यता, उसकी अपनी आस्था है, वो जैसा खाए। आप आजकल तो लोग लहसुन प्याज सभीन खाना खा रहे हैं, कई बार हमने देखा कि नवरात्र में लोग कहते हैं कि इनमें लहसुन प्याज नहीं है, ये नवरात्र खाना है, तो उसके हिसाब से लोग दे रहे हैं। होटलों में लग जाता है, लोग बताते हैं हम नवरात्र से रिलेटेड खाना जो लहसुन प्याज विहीन खाना देते हैं। तो ऐसा तो जैसे आप जिस तरह की मार्केट होगी उस तरह से कंपनीज को रेगुलेशन बनाने पड़े, कंपनी उस तरह चलना पड़ेगा, जिसमें बुराई वाली क्या बात है। लेकिन तकी साहब, आप लोग लगातार ये जिक्र कर रहे हैं कि शुद्धता का प्रमाण देने का प्रयास किया जा रहा है हलाल सर्टिफिकेशन के जरिए, जो लगातार आप लोग जिक्र कर रहे हैं, क्या गारंटी है आपके पास कि जो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट है वो एकदम शुद्ध है? देखिए हमें हलाल समझना पड़ेगा, हलाल क्या होता है। हलाल में जो है इस्लामिक एक मानक है हलाल, जो एक प्योरिटी का मानक है। आप उसी जानवर को हलाल कर सकते हैं जो बीमार ना हो, आप उसी जानवर को हलाल कर सकते हैं जिसके पेट में वो गर्भवती ना हो, उसी जानवर को हलाल कर सकते हैं जिसकी कुछ और तबीयत खराब ना हो। आप एक फ्रेश, एक अच्छे सेहतमंद जानवर से ही गोश्त ले सकते हैं, ये हलाल का मानक है। और उसको जो हलाल किया जाएगा एक पर्टिकुलर तरीके से किया जाएगा ताकि उसके अंदर इन्फेक्शन ना रह जाए, उसके अंदर प्रॉब्लम ना रह पाए, और वो फ्रेश हो, जो व्यक्ति को मिले तो फ्रेश हो, ताकि उसके अंदर जो है जो अवगुण हो, जो हो गए, जो बीमारियाँ जो हो सकती वो अगले जो खाने वाला कंज्यूम करने वाला है उसके अंदर ट्रांसमिट ना हो। तो ये बहुत पहले इस्लाम ने 1400 साल पहले उस मानक को सेट किया था, और वही प्योरिटी का मानक है, जैसे कबीर जी कह रहे हैं, वो आज भी चलता चला आ रहा है और बहुत अच्छा प्रोसेस है वो, और लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। और हलाल से अब बहुत से लोगों को धन्यवाद देना चाहिए, बहुत से लोग नॉनवेज ले रहे हैं, मुस्लिम शॉप से ले रहे हैं जो हलाल देते हैं, वहाँ कम से कम उनको फ्रेश मिल रहा है। क्योंकि अगर आप हलाल नहीं ले रहे हैं और अगर आप किसी पैक सील गोश्त ले रहे हैं, तो आपको पता नहीं उस जानवर को कितने दिन पहले उसकी डेथ हुई थी, किस तरह से गोश्त लिया गया था उससे, कैसे वो मांस उससे प्राप्त हुआ है। तो हलाल एक प्रोसेस है जो उसमें कई स्टेप्स होते हैं, कई चीज़ें होती है जो इंश्योर करता है कि जो नॉनवेज मिल रहा है व्यक्ति को, जो गोश्त मिल रहा है वो ताज़ा मिल रहा है, वो फ्रेश है, और वो जो जिससे गोश्त लिया गया है वो जानवर किसी भी बीमारी से आगत नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी उसको, वो सही जगह से उसको गोश्त मिल रहा है। तो है। बहुत सी कंट्रीज आजकल, इवन जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो हलाल गोश्त को प्रेफर करती हैं ऊपर नॉन हलाल से।
ठीक है कपीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन कपीर जी एक सवाल मेरा आपसे रहेगा कि आप इस मुद्दे पर बहुत मुखर होकर बोल रहे हैं, तमाम तथ्यों को लेकर के आप साथ में बैठे हैं, लेकिन एक सवाल जो मेरा आपसे ये है कि कोई भी इंडस्ट्री एक ही प्रोडक्ट को दो तरीके से नहीं बनाना चाहती है, और यही वजह है कपीर जी कि ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज हैं वो हलाला का ठप्पा लगाकर ही प्रोडक्ट बना रही हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता कि हम रेवेन्यू जनरेट करने के चक्कर में कहीं ना कहीं जो कंपनी का प्रोडक्शन है वो ज्यादा जटिल हो रहा है, वो ज्यादातर प्रोडक्ट हलाला सर्टिफाइड ही आगे बनाएंगे कि हम दो तरीके से प्रोडक्ट क्यों बनाए? मुस्कान बहुत आराम से आप समझ लें जी, दोबारा आप उसकी कंपनियों की बात कर रही हैं, वो कंपनियां अन्य जो हलाल सर्टिफिकेट इशू कर रही कंपनी से टेपेटाइड एग्रीमेंट में, ठीक है वो ये कहती है कि हमारे हमको ये कंपनी जांच करके और हमारा सर्टिफिकेट इशू कर देगी और हम इस माल को अपने आगे बढ़ा देंगे। अब आप जैसे एग मार्क आपने सुना होगा, जैसे आपने फैसाई सुना होगा, ठीक उसी तरह से ये हलाल भी है। और मैं ये बार बार तकी साहब जैसे वो कह रहे हैं, वो पहले हलाल उसी के लिए था लेकिन अब वो उसके लिए नहीं है, नमकीन पर भी है, पनीर पर भी है, दही पर भी है। बिल्कुल, आपका जो है ये फैसाई दे रहा है अपने लैब में उसको आंकता है और उसके बाद वो लिखता है कि इसमें इतना परसेंट ये जो चीजें इतने इंग्रेडिएंट्स दिए हैं ये सही है। जैसे एग मार्क करता है, जैसे आपने देखा होगा कि अन्य जो एफएमसीजी की चीजें हैं या आप कोई पाइप खरीदने जाती हैं या बिजली का कोई प्रोडक्ट खरीदने जाती हैं तो आईएसआई का उस पे मोहर लगा रहे हैं। अब मैं दूसरी हलाल की जो ये भाई तकी भाई कह रहे हैं वो भी बता दूं कि कोई जानवर जो कटता है उससे पहले जो हमारा यहाँ का वेटेनरी डिपार्टमेंट है जिले का वो उनकी शुद्ध वो सही है कि नहीं सही है वो सब पर मोहर लगती है जो कंपनीज में कटने जाते हैं। वो एक अलग चीज है, दूध दही और नमकीन पे भी वो चीजें लग रही। मैं बार बार आपको ये कह रहा हूं कि अगर सरकार स्वयं संप्रभु बनना चाहती है तो वो बैन पूरे इंडिया में लगा सकती है, कोई एक व्यक्ति एक प्रदेश में नहीं लगा सकता, ये कानूनन उस पर वो है। उसके लिए उनको बाकायदा एक एक्ट प्रिवेल कराना पड़ेगा, संसद में ला करके वो एक्ट पारित होगा, उसके बाद आप ये सब चीजें खींच सकते हैं। और अगर ये भारत की सरकार स्वयं अपने पास रख करके सर्टिफिकेशन जारी कर रही होती तो फिर अन्य कंपनियां रजिस्टर्ड ही नहीं होती। जैसे आप रेलवे नहीं चला सकते हैं, रेलवे चला सकते हैं नहीं चला सकते हैं। तो ठीक उसी तरीके से है। और जैसे पहले हम डाक खाली डाक विभाग काम करता था, दूसरे नहीं करते थे, लेकिन बाद में एक्ट में परिवर्तन किया गया, वही जो डाक हमारा विभाग करता है वही अन्य कुरियर कंपनियां करना शुरू कर दी। ठीक इसी तरीके से परिवहन में हम आ गए। तो इसको मैं समझाना चाह रहा हूं जो विध के दायरे में चाहिए चीजें। ये एक आदमी ने जिद्दन किसी तरीके से षड्यंत्र में आकर के एक एफआईआर दर्ज कराई है और वो भी सारी गलत धाराएं लगी हुई जिसमें कोई धारा प्रिवेल नहीं करती, कंपनी एक्ट के अंदर वो प्रावधानित है। अगर आपको ऐसा लगता है कि उनका विनिर्माण जो है वो सही नहीं है और मानक गलत स्तर पे ये सर्टिफिकेशन दिया जा रहा है तो वो आपको साबित करना पड़ेगा और ये साबित करने का भार उस व्यक्ति पर है जो शिकायत कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, साबित करने के लिए कपीर जी उन्हें भरपूर समय भी दिया गया है। धन्यवाद आप सभी का हमारे इस चर्चा में अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। तो देखिए हलाल सर्टिफिकेशन को लेके अब सियासत एकदम हाई हो चुकी है, जहां एक तरफ तमाम दल ये आरोप लगा रहे हैं कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है और एक बार फिर से लाइमलाइट में आने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये कदम उठाया है ताकि एक बार फिर वो मुसलमानों के हकों को मारने का काम कर सके, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम लोगों का ये भी कहना है कि इस मसले के जरिए अपनी सियासत को चमकाने की कोशिश बीजेपी 2024 के चुनाव से पहले करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब ये जानना काफी अहम हो जाता है कि लगातार इतने लंबे समय से ये जो हलाल सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराया जा रहा है आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? अभी जिन 12 कंपनीज का नाम सामने आ रहा है उनको लेकर यह कहा जा रहा है कि 12 कंपनीज ऐसी कंपनीज है जो हलाल सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराती है। अब सवाल बड़े ये उठ रहे हैं कि जो हलाल सर्टिफिकेशन के जरिए जो पैसा आता है आखिर ये पैसा जाता कहाँ है, क्योंकि लगातार ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि अगर इतने बड़े स्तर पर, क्योंकि लगातार ये भी हम जिक्र कर रहे हैं कि तकरीबन $3 trillion इकोनॉमी का कम से कम बिजनेस है ये पूरे दुनिया भर में, ऐसे में लाजमी है कि भारत में चूंकि हर एक धर्म के लोग एक साथ रहते हैं तो यहाँ पर मुसलमानों की संख्या भी काफी ज्यादा है, अगर यहाँ पर भी एक अच्छे अमाउंट में रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो क्या वाकई वो सरकार के पास जा रहा है कि नहीं? चूंकि सवाल ये भी है कि
जब हलाल सर्टिफिकेट सरकार की तरफ से जारी ही नहीं किया जाता है तो ये 12 कंपनीज के पास अथॉरिटी कैसे आई, इन 12 कंपनीज को अथॉरिटी किसने दी कि वो हलाल सर्टिफिकेट जारी करे? अब ये तमाम बड़े सवाल ऐसे हैं जिस पर सियासत हाई हो चुकी है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।